तो हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर शूट आउट करेंगे, यानी हाँ आप कोई भी एक कलर चूज़ कर लीजिए, सेंटर कलर जो आपको पसंद हो, और वो देखिए हमने यहाँ पे वाइट कलर चूज़ किया। तो वाइट कलर अगर आपने चूज़ किया तो इसके अपोजिट कलर येलो कलर पे हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे ऐसा, यहाँ पे देखिए हम ऐसे बनाएंगे। तो देखिए ये बीच में वाइट येलो है और चारों एजेस कौन से हैं वाइट कलर के, तो हम सबसे पहले ये करेंगे। तो आप सबसे पहले येलो पे ये चारों एजेस यानी कॉर्नर नहीं ये एजेस, यहाँ पे आपको कोई भी फोर कलर वाइट के लिए आइए। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे ढूंढते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा जब ये कलर यहाँ पे एजेस पे तो आपको ये कलर भी एजेस पे ही मिलेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ से जाते हैं। तो दो कॉर्नर के बीच एजेस होता है, तो ये दो कॉर्नर के बीच एजेस है, तो कि हमें एक वाइट मिल गया तो आप इसको टर्न कर दीजिए ऊपर, तो हमने इसको टर्न कर दिया। नेक्स्ट है इस एजेस पे नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे एजेस पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, चलिए हमने चारों देख लिए। अब नीचे वाले इस वाले एजेस पे नहीं है, ठीक है, इसको घुमा दीजिए। इस वाले एजेस पे नहीं है, फिर अगेन टर्न कर दीजिए। इस वाले एजेस पे नहीं है, देखिए हमारे इस वाले किसी एजेस पे नहीं है, तो हम नेक्स्ट पाते हैं। क्या इस वाले एजेस पे है यहाँ पे वाइट इधर नॉन ये एजेस पे, हाँ ये रहा, तो हम इसके ऊपर करते हैं, तो हमारा ये दो बन गए। अब हम इनकी बारी, तो हम यहाँ पे देखते हैं इस एजेस पे है, बिल्कुल इसको यहाँ पे कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं ये बन गया, अब हम इस वाले एजेस पे देखो यहाँ पे वाइट बन गया, आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ एजेस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले एजेस पे, ठीक है, देखिए इस वाले एजेस पे है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमें यहाँ पे सेट करना है। देखते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ पे नहीं, तो हम नीचे देखते हैं, हाँ एक ये रहा कलर एजेस, लेकिन जैसे ही मैं अगर यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ तो ये नीचे एजेस हो गया, फिर अगर वापस हमने ये किया तो वापस नीचे हो गया, तो हम क्या करें। तो आपको इस एजेस को यहाँ पे सेट करना, तो हमने नीचे इसको नीचे घुमाया, देखिए हमने क्या किया ये यहाँ पे ही, तो हमने इसको नीचे से मूव किया, नीचे मूव कर दिया, तो ये एजेस जस्ट इसके अपोजिट में आ गया, तो हमने ऊपर कर दिया। तो देखिए हमारा ये फ्लावर की तरह ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मत देखिए ये जो वाइट कलर है इस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए अब हमें क्या करना, ये जो चारों वाइट बन गए, ठीक है, तो इन चारों वाइट को हमें इस वाइट के पास रहना है, यानी कॉम्बिनेशन तो वाइट का ही है, तो हमें ये पूरा पैटर्न वाइट का बनाना है। आपके पास देखिए यहाँ पे ये जो कलर ये सेंटर कलर है, ये वाइट कलर और ये सेंटर कलर दोनों सेम होने चाहिए, कैसे देखिए ये वाइट है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि वाइट को वाइट के पास लाना है, लेकिन जो वाइट के साथ रेड है ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो हम इसको ऊपर से मूव करेंगे। क्या ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फिर इसको अगेन मूव करेंगे। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, नो, फिर अगेन मूव करेंगे। हाँ देखिए जब ये मैच कर जाए तब इसको बिल्कुल टर्न कर दीजिए, देखिए ये वाइट कलर इस वाइट कलर के पास पहुंच गया, चलो ये ग्रीन हो गया, अब नेक्स्ट बार ये तो रेड के पास रेड लाइए, जो ऐसा वाइट लाइए जिसके पास रेड हो, ये तो है ही नहीं, इसमें वाइट है नहीं, हाँ देखिए ये वाइट है और उसके साथ रेड है, तो रेड और रेड का कॉम्बिनेशन हो गया, तो आप इसको टर्न कर दीजिए पूरा फुल 180 डिग्री पर, यानी इसके अपोजिट साइड पे, यहाँ पे था देखिए यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे ब्लू पे हमें वो कलर चाहिए जो ब्लू हो उसके साथ वाइट हो, ये तो दोनों है ही नहीं, हटा दीजिए, देखिए वाइट पे ब्लू मिल गया, तो इसको टू टाइम वन टू टाइम मूव कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर रह गया, तो हम क्या करेंगे वन टू, तो देखिए ऑरेंज पे ऑरेंज और वाइट, तो हम इसको टू टाइम वन टू, अब इसको उल्टा करते हैं, तो देखिए हमें वाइट पे वाइट मिल गया। अब हमारा क्या टास्क है, ये जो चारों कोने हैं इसको शॉर्ट आउट करना है, तो वो कैसे होगा, तो हम पहले इस कॉर्नर को पकड़ते हैं, इस कॉर्नर पे हमें देखिए सेंटर कलर वन टू थ्री, इन तीनों कलर को देखेंगे तो ये कॉर्नर हमारा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन है, रेड है, वाइट, तो हमें ऐसा कलर चाहिए, ऐसा कॉर्नर चाहिए जिसमें तीनों कलर हो, तो देखते हैं क्या ये ग्रीन रेड वाइट है, नहीं है, 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 ग्रीन रेड वाइट नहीं, ग्रीन रेड वाइट, हाँ ये रहा, तो इसको हमें वहाँ पे ले जाना है, कहाँ पे, ग्रीन रेड वाइट यहाँ पे, तो ये देखो क्या यहाँ पे ग्रीन रेड वाइट है, नो, क्या यहाँ पे ग्रीन रेड वाइट है, हाँ ग्रीन और वाइट है लेकिन रेड नहीं है, क्या यहाँ पे ग्रीन रेड वाइट है, हाँ बिल्कुल सही, देखो ये आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सेट आउट करना, तो हम यहाँ पे सेट आउट करने के लिए या सेट करने के लिए एक फार्मूला है, तो कोर्स से देखिएगा, इसको हम ऊपर करेंगे वन, ठीक है, इसे बोलते हैं आर, ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसकी कोडिंग, वैसे कहेंगे इसको, कहें आर यू आर प्राइम यू प्राइम,
आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखो अब तक नहीं आया तो इसको तब तक करते रहिए जब ये तीनों कलर सेट हो जाए। आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो देखिए यहाँ पे रेड के साथ रेड आ गया, ग्रीन के साथ ग्रीन, व्हाइट के साथ व्हाइट। चलो हमारा ये मैच आ गया, मैच हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे रेड ब्लू व्हाइट, रेड ब्लू व्हाइट। तो हम इसके साथ तो वही कलर हम मैच करेंगे, रेड ब्लू व्हाइट को फाइंड आउट करेंगे। रेड ब्लू व्हाइट, ये व्हाइट है, रेड ब्लू ये रहा हमारा, रेड ब्लू व्हाइट। तो सेम एज इट इज फार्मूला वही लगेंगे, ठीक है। आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखो अभी तक नहीं हुआ, फिर अगेन आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो देखिए सेट हो गया। ओके अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे कौन सा कलर है, ब्लू ऑरेंज व्हाइट, ब्लू ऑरेंज व्हाइट। तो आप वो ढूंढिए जहाँ पे ब्लू ऑरेंज व्हाइट हो। तो ब्लू ऑरेंज व्हाइट है ये, हाँ ये रहा यहाँ पे ब्लू ऑरेंज व्हाइट। तीनों को मिल गए, सेम उसके जस्ट अपोजिट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। अगेन वही फार्मूला लगाते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ओ ये तो एक बार में सेट हो गया, तो यही फार्मूला है, ठीक है ये मैसेज। अब नेक्स्ट है एंड लास्ट। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑरेंज ग्रीन व्हाइट, तो ढूंढते हैं कहीं है क्या। ओ ये तो यहीं पे सेट है, ऑरेंज ग्रीन व्हाइट, बस ये क्या है फ्लिप है, तो इसको हमें सही करना है। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो देखिए हमारा एक ये प्लेयर क्रिएट हो गया।